हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिले के रानीवाड़ा उपखंड कार्यालय के एक बाबू को बुधवार रिश्वत के आरोप में ट्रैप करने गई जालौर एसीबी चौकी को सफलता नहीं मिल सकी। ट्रैप की भनक लगते ही कार्मिक मौके से भाग छूटा। जानकारी के अनुसार परिवादी सेवाड़ा निवासी भवरलाल पुत्र बुधाराम विश्नोई ने एसीबी चौकी जालौर में शिकायत पर उपखंड कार्यालय के रीडर जीवराज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जिसका जालौर एसीबी टीम ने सत्यापन करने के बाद बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई करने के लिए रानीवाड़ा पहुंची थी। इस दौरान कार्मिक जीवराज को एसीबी टीम के आने तथा होने की भनक लग गई। एसीबी टीम ट्रैप की कार्रवाई करती इससे पहले कार्मिक कार्यालय से भाग छूटा। ऐसे में जालौर एसीबी टीम को बेरंग लौटना पड़ा। यह था मामला। जालौर एसीबी चौकी के उप अधीक्षक अन्नराज राजपुरोहित ने बताया कि ट्रैप की कार्रवाई सफल नहीं हो पाई। अब सत्यापन के आधार पर एसीबी मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जहां से क्या निर्देश मिलते हैं उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। रानीवाड़ा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।